Hello dear student, myself Naveen Chaudhary, and today we will discuss about solid waste management. तो basic civil engineering के अंदर environmental part का ये सबसे अच्छा topic है solid waste management और बहुत important है. तो इस topic के अंदर अपन ये समझेंगे कि ये किस तरह से important है और कितने type के होते हैं, waste कितने type के होते हैं, solid waste कितने type के होते हैं, किस तरह से इसका disposal हो सकता है, किस तरह से इसको अपन रीयूज कर सकते हैं, इसका कंजप्शन कैसे कम कर सकते हैं, इंडिया के अंदर कितना कंजप्शन है, हजार्डस वेस्ट कौन से होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ इफेक्ट क्या है, आपने कलेक्शंस क्या है इसका, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं अपन इस लेक्चर के अंदर. तो नो डाउट आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि वेस्ट होता क्या है और इस लेक्चर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. तो चलिए अपन आगे बात करते हैं सबसे पहले इसके प्लान के क्या क्या है. तो सबसे इस फर्स्ट हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि वेस्ट क्या होता है और कितने तरह के वेस्ट होते हैं. देन बात करेंगे उस वेस्ट के एक पार्ट में सॉलिड वेस्ट की, सॉलिड वेस्ट क्या है और टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, कितने तरह के सॉलिड वेस्ट होते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है, किस तरह से 3R कंसेप्ट वर्क करता है, क्या कलेक्शन सिस्टम है इसका, किस तरह से स्टोर किया जाता है, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जीरो वेस्ट सिस्टम को समझेंगे और रिकमेंडेशंस क्या क्या अपन आगे रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है. तो बात करते हैं वेस्ट की. तो वेस्ट क्या है, वेस्ट वो होता है, वैसे तो आप समझोगे तो वेस्ट एक तरह का कचरा होता है, आप भी बोलेंगे हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, वेस्ट को वो होता है कुछ रबीज या ट्रैश, रिफ्यूज या गार्बेज, जंक, जो अनवांटेड और अनलेस मटेरियल जो है वो सारा वेस्टेज है, ठीक है, जिसको अपन वेस्ट मटेरियल बोलते हैं. दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो रिजेक्टेड मटेरियल हो गया, जो केयरफुली जिसका कोई कंजप्शन नहीं है, जिसे जिसे कोई एक्टिविटी में अपन उसको काम नहीं ले सकते हैं, जिसकी प्रोफाइल है वो एक अनलेस है, यूजलेस है, ठीक है, ऐसे वेस्ट को अपन, ऐसी चीज़ों को अपन एक तरह से वेस्ट बोलेंगे, ठीक है. तो जैसे आपने पैकिंग मटेरियल आ गया, या आप कह सकते हैं घर के अंदर कुछ किचन में जो काम कर रहे हैं तो कुछ सब्जी से जो बचा हुआ कचरा हो गया, ठीक है, तो बहुत सारा तरह के कचरे होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो उन सब के बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे. तो एक तरह से ये इसकी डेफिनेशन हो गई है. तो एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ए वेस्ट, तो आपको इसको इजीली से आप समझा सकते हैं कि वेस्ट क्या होता है, ठीक है. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर क्या है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दो पार्ट के अंदर सबसे पहले अपन को इसको डिवाइड किया गया है, एक तो रिफ्यूज और ट्रैश के अंदर, ठीक है. ट्रैश के अंदर तो बल्क वेस्टेज जो होगा जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, गुड्स और ब्रोकन फर्नीचर, एनीथिंग किसी को ट्रैश के अंदर है. रिफ्यूज के अंदर अपन को दो के अंदर इन्होंने डिवाइड किया, गार्बेज और रबीज, जिसको अपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं. ये तो वो हो गया ऑर्गेनिक, ये हो गया इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक की बात करें तो जो वेजिटेबल, मीट, फूड वेस्ट एंड अदर कोई जो डिग्रेडेबल हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उनको अपन गार्बेज कहते हैं. जो डिग्रेडेबल नहीं हो सकता है, जैसे ग्लास कभी डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं हो सकता है, जिसका कोई मिट्टी में नहीं मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ों को अपन क्या कहेंगे, रबीज बोलेंगे. जैसे मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, नॉन मेटल सेट, एनीथिंग किसी तरह का हो गया, ठीक है, तो वो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं. अब इसको फर्दर डिवाइड किया रबीज के अंदर, जो ऑर्गेनिक तो है लेकिन उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग जो है, जो स्लोली डिग्रेडेबल होता है, टाइम लगता है उनका, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया और टेक्सटाइल जो हो गई, ठीक है, तो इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन तो होता है लेकिन वो धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं, लेकिन उसको रबीज के अंदर डाला. तो आपको ये समझ में आ गया, इस स्ट्रक्चर को आप इजीली समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है. तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि सॉलिड वेस्ट क्या है, तो आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझा सकते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेज होता है. रिफ्यूज और ट्रैश, ट्रैश को दो पार्ट में किया गया, बल्कि वेस्ट के अंदर, और रिफ्यूज को गार्बेज और रबीज के अंदर कन्वर्ट किया गया, जिसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेटल्स अपन बोल सकते हैं, मटेरियल्स बोल सकते हैं. बात करते हैं अपन कुछ इंडियन एशियन कंट्रीज की, जिसके अंदर किस तरह से वेस्ट प्रोडक्शंस हो रहा है. तो कुछ नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना की कुछ कंट्रीज दी जिसमें पर कैपिटा पर डे कितना वेस्ट जनरेशन हो रहा है.
बात करते हैं फर्स्ट टेबल के अंदर, तो ये कोई ग्रोस नेशनल ट्रेस एक इंडेक्स बना रखा है, जो इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है, जिसको अपन को अभी यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अपन इसकी, इससे अपन समझ सकते हैं कि पर कैपिटा कितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री के अंदर। तो 2001 का डेटा है, थोड़ा डेटा पुराना है नो डाउट, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से किस जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उसमें किस तरह से वेस्ट जनरेशन हो रहा है। जैसे नेपाल हो गया तो 0.22 से 0.5 हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर 0.6 से 0.8, इंडिया के अंदर 0.3 से 0.6। जितनी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो उनको प्रोडक्शन ज़्यादा है। जैसे देखिए चाइना की बात कीजिए, यहाँ पे थाईलैंड की बात कीजिए, जो थोड़ी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे लाइफस्टाइल जो है वहाँ के जो लोगों की वो थोड़ी सी चेंज है, तो उनका जो कंजप्शन है वो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा है, तो वहाँ पर कैपिटा जो जनरेशन हो रहा है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की कुछ मेट्रो सिटीज़ है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनकी बात करें तो 2001 का डेटा है, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश को आप देखो कि 38 लाख पॉपुलेशन के अंदर 957 मैट्रिक टन पर डे यहाँ पे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। सबसे ज़्यादा जनरेशन अपने महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर होता है, जिसका 7500 हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, देन आफ्टर कोलकाता और चेन्नई और अहमदाबाद जैसी जो सिटीज़ है उसके अंदर पर डे जो मेट्रिक टन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो महाराष्ट्र के बॉम्बे का रीजन भी है कि जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र के अंदर जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी ज़्यादा है, बिजनेस सिटी है, तो वहाँ पे जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, बात अपन करते हैं सॉलिड वेस्ट में, इंडिया के अंदर 7.2 मिलियन टन ऑफ हजार्डस वेस्ट यहाँ जनरेट होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एडिशनल लैंडफिलिंग एवरी ईयर अपन को जरूरत पड़ती है। ठीक है, और 1600 करोड़ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल जो वेस्टेज को डिस्पोज करते हैं यहाँ पे, या इस तरह की यूनिट से अपन इतना जो जनरेशन पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है। इंडस्ट्री से 150 मिलियन टन हाईली वॉल्यूम और लो हजार्डस वेस्ट एवरी ईयर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिनको लो लाइंग एरिया के अंदर डंप किया जाता है मोस्टली। और ग्रोथ ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया, वेस्ट इज ग्रोइंग बाय लीव्स एंड बॉन्ड्स। 1951 के अंदर जो बॉम्बे के अंदर 81 के अंदर और 91 का कुछ डेटा दिया है, जिसमें बॉम्बे के अंदर 8.2 मिलियन से 12.3 मिलियन तक बम्बई के अंदर पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ था, और उसके कारण से जो वहाँ 3200 टन जो प्रोड्यूस हो रहा था वहाँ पे म्यूनसिपल जो सॉलिड वेस्ट, वो 5355 टन जनरेट होने लगा है, मतलब 67% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, जैसे सिटी लाइक बेंगलोर प्रोडक्ट कर रही है 2000 टन ऑफ वेस्ट पर एनम, और वेस्ट कलेक्शन इंडियन सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गंदा है। ठीक है, तो इससे अपन इंडिया की जो वेस्ट कलेक्शंस की और वेस्ट जनरेशन की अपन चीज़ों को समझ सकते हैं। देन बात करते हैं वेस्ट कलेक्शन इन इंडिया, तो प्राइमरी सिटीज़ म्यूनसिपल्स के अंदर जैसे नॉन डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे बायो डिग्रेडेबल ग्लास या पॉली बैग्स, पेपर सेट, तो इन सबको जनरली क्या ना डंप कर दिया जाता है सिटी के आउटर साइड के अंदर। ठीक है, कुछ जो होता है लोकल जो कबाड़ी या रेड कबाड़ी वाले या रेडी वाले, जिसको रेड पिकर कहते हैं। ठीक है, तो रेड पिकर्स क्या करते हैं, ये कुछ चीज़ों को जैसे स्मॉल पीसेज हो गए, मैग्नेट्स जो आयरन के जो चीज़ें हो गई, या ग्लास बोतल हो गई, या जो रिसाइकल पेपर वगैरह हो गए, उनका कलेक्शंस का बहुत बड़ा परसेंटेज इनका होता है। देन बात करें अपने हाउ टू सॉलिड वेस्ट इफेक्टेड इन ए रिसेंट ईयर, किस तरह से इफेक्टेड कर रहा है। मुंबई के अंदर 2005 के अंदर जो फ्लड आई थी उसका सबसे बड़ा रीजन था प्लास्टिक बैग। ठीक है, ईरान से कुछ स्क्रैप आया था जिसके अंदर ब्लास्ट हो गया था नोएडा के एक फैक्ट्री के अंदर। उसी के अलावा कुछ जो माइग्रेंट बर्ड है वो भी माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया से। ठीक है, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंजरस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे इंडिया के अंदर, कुछ लॉसेस हो रहा है बर्ड, जो माइग्रेट बर्ड है उनका लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और रिसेंट में अभी कुछ बर्ड की डेथ भी हुई थी। एक फ्लू जो बर्ड फ्लू है वो भी स्प्रेड हो गया था, उसका मेन कारण था यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड जो है उसके कारण से, और जो स्ट्रीट एनिमल्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक बैग के कंज्यूम करने से उनका जो
फूड सिस्टम है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। और आप कई बार देखते हैं कि कहीं एनिमल्स की डेथ हो जाती है, आवारा जो पशु होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डेथ के जो केसेस हैं वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ ए सॉलिड वेस्ट, क्या क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। कुछ पॉल्यूटेंट्स के कारण चिल्ड्रंस के अंदर कुछ कैंसर्स के केसेस देखे गए हैं, ठीक है। हजार्डस वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है एक बहुत ज़्यादा अभी, उसके अलावा अनप्रॉपर तरीके से इंसिनरेशन प्लांट के कारण जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण से, और लैंड फिलिंग जो हो रही है उससे स्प्रीड होता है कुछ डिजीज स्प्रीड हो रही है, या वाटर जो है जो वाटर बॉडीज है वो कंटेमिनेट्स हो रही है उसके कारण से। और डायरेक्ट इसके जो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उसमें क्रॉनिक डिसीज़ है वो भी दिनों दिन इंक्रीज होती जा रही है। जो वेस्ट वर्कर जो होते हैं वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के से डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट में है तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन प्रॉपर तरीके से आप उनको कलेक्शन करने से या ज़्यादा करिए इंक्रीज होने के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट के टाइप की बात करते हैं, ना कि हम सॉलिड वेस्ट की बात करें। वेस्ट कितने तरह के होते हैं, अगर आपसे वेस्ट पूछा जाए तो सॉलिड वेस्ट भी होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, गैसियस वेस्ट, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट, बिजनेस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, बल्कि वेस्ट। इनके फर्दर सब डिवाइडेशन भी कर सकते हैं अपन, बायोमेडिकल वेस्ट का भी कर सकते हैं, इसको भी तीन चार पार्ट में डिवाइड किया है, कॉमर्शियल वेस्ट, बिजनेस वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया, वैसे ही सॉलिड वेस्ट हो गया। तो अपन यहाँ बात करते हैं सॉलिड वेस्ट टॉपिक की, जिसको फर्दर डिवाइडेशन करेंगे और कौन से वेस्ट इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को समझते हैं क्या चीज़ें, जो नॉन लिक्विड नॉन सॉल्युबल मटेरियल्स हैं ranging from municipal garbage to industries waste that contains complex and sometimes hazardous substances जो होते हैं वो सारे क्या ना सॉलिड वेस्ट हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या क्या इंक्लूडेड है, गार्बेज हो गया, रबिज जो हो गया, या कोई डिमोलाइजेशन प्रोडक्ट्स हो गए, सीवेज ट्रीटमेंट का जो रेजिड्यू हो गया वो हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, ठीक है, या किसी डिसगार्डेड मटेरियल हो गया, ये सारा क्या ना सॉलिड वेस्ट है। पर कैपिटा 0.25 से 2.5 केजी पर डे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है सॉलिड वेस्ट में वेस्ट का इंडिया के अंदर, ओके। आगे नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं कि इसके सोर्सेज क्या है। एग्रीकल्चर भी एक क्या इसका सोर्सेज है सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट करता है, फिशरीज जहाँ पे ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है फिश का, या हाउस होल्ड घर में जो काम ले रहे हैं अपन, टीवी हो गया, ई वेस्ट हो गया, एनीथिंग किसी तरह का, टेलीफोन हो गया, वुडन के फर्नीचर हो गया, या किचन वेस्ट हो गया, इन सारे वेस्ट को भी आप एक तरह के सोर्सेज है सॉलिड वेस्ट के। उसके अलावा इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, तो या इंस्टीट्यूशनल से कहीं से भी वेस्ट जनरेट हो सकता है। बात करते हैं इसको तीन तरह में डिवाइड किया गया, हाउस होल्ड वेस्ट जिसको म्यूनसिपल वेस्ट के अंदर डाला गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसको हजार्डस वेस्ट के अंदर डाला गया, और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर डाला गया, ठीक है, जो इन्फेक्टेड वेस्ट जो है जिसे इन्फेक्शन फैल सकता है तो उसको हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया। बात करते हैं सबसे पहले म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट क्या होता है, हाउस होल्ड वेस्ट जो हाउस से निकल रहा है या कंस्ट्रक्शन से निकल रहा है, या कंस्ट्रक्शन के डेब्रीज जो हो रहा है, या सैनिटेशन डिजड्यूज हो गया, वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट, ये सारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में, जो म्यूनसिपल्स के अंदर जो गाड़ी ट्रक वगैरह आप देख रहे हैं कलेक्शन करती है इस तरह के वेस्ट को। विद राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, कारण क्या है इसका, एक तो अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ठीक है, फूड हैबिट्स हो गई, अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैज़ बीन इंक्रीज रैपिडली, एंड कंपोजिशन चेंजिंग, इन सब कंपोजिशन चेंजिंग और ये रैपिडली जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ठीक है, तो इस कारण से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जनरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बात करते हैं तो इसमें 38% पेपर और पेपर बोर्ड है, जिसे पैकिंग मटेरियल्स है उनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर अपन टूथपेस्ट भी लेके आते हैं तो वो किसी पैकिंग के अंदर आता है, और टूथपेस्ट होता है वो भी किसी पैकिंग के अंदर आता है, तो पैकिंग का जो मटेरियल है पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है 38.1%। उसके अलावा 7.7 मेटल, 9.4 प्लास्टिक्स, 10.4 फूड वेस्ट, एंड 5.9 ग्लासेज, एंड 5.2 वुड, और कुछ अदर मेटेरियल्स 9.9% है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपको म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की याद रखनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनरेशन किसका हो रहा, पेपर और पेपर बोर्ड का, या पैकिंग मटेरियल जो है वो 38.1% हो रहे हैं। बात करते हैं हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट वो होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, हाईली कंटामिनेट टॉक्सिक होते हैं, जिससे अपन को कोई क्रॉनिकल डिजीज वगैरह हो सकती है। ये कहाँ से, इंडस्ट्री या हॉस्पिटल से
ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये कोरोसिव और हाई इन्फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट की आप बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द मेजर जनरेटर्स ऑफ ए हैज़ार्डस वेस्ट। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जहाँ से मेटल, केमिकल, पेपर, पेस्टिसाइड या डाइंग, रबर, गुड्स इंडस्ट्रीज, इन सबसे ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू ए केमिकल्स इन हैज़ार्डस वेस्ट सच एज मरकरी एंड साइनाइड। साइनाइड और मरकरी से क्या ना, अपने जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर एक तरह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है अपन को, अगर वाटर के अंदर अगर मिक्स हो जाता है, वाटर बॉडीज़ के अंदर ही मिक्स हो जाता है, ग्राउंड वाटर को एक तरह से कंटामिनेट कर सकता है, पॉल्यूटेड कर सकता है ये, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो हज़ार्डस वेस्ट के बारे में समझ गए होंगे क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। कहीं भी रंगाई छपाई जहाँ चलती है कपड़ों की वगैरह, जो कलर्स वगैरह निकलते हैं, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जनरली, जो लो हज़ार्डस जिसको अपन कह सकते हैं। लेकिन आगे जाके इसके कारण से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और जो आजकल कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका मुख्य रूप से जो कारण है वो हज़ार्डस वेस्ट है। बात करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट की। तो एनी वेस्ट विच इज जनरेट ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और द इम्यूनाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन बींग, एनिमल्स और इन ए रिसर्च एक्टिविटीज़। तो कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, या वेटनरी हॉस्पिटल हो गया, अपना जो जनरल हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ से जो वेस्टेज जनरेशन होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। इसके लिए एक रूल भी बनाया गया था 1998 के अंदर, जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको बायोमेडिकल वेस्टेज के किस किस कैटेगराइज किया गया है उसके अंदर, बायोमेडिकल को कितने टाइम तक आपको वहाँ रख सकते हैं, ट्रीटमेंट करने के मेथड्स, प्रोसेस, डिस्पोज के मेथड दे रखे हैं, कैटेगराइज कर रखा है मैं वेस्ट को, उसको डस्टबिन कौन सी होनी चाहिए, ये सारा चीज़ों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स बनाए थे 1998 के अंदर ही आया था, जो अभी 2016 में नया इसको रिवाइज किया गया था। इसके अलावा एक मैप भी इंक्लूड्स वेस्ट लाइक ए शार्क वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, देखें फार्मा इंडस्ट्री से या किसी भी केमिकल या रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उन सबको अपन कह सकते हैं हॉस्पिटल या बायोमेडिकल वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप बायोमेडिकल वेस्ट को यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात करते हैं क्या इफेक्टेड होते हैं सॉलिड वेस्ट से, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक अनसैनिटरी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, अगर सही तरह से वेस्ट का कलेक्शंस नहीं होता है तो हेल्थ पे बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स डाल सकता है, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट होता है। उसके अलावा कुछ एपिडेमिक आउटब्रेक्स का रीजन हो सकता है, कुछ डिजीजे जैसे कोलोरा, डायरिया या एनी तरह की कोई प्लेग वगैरह, ये सब स्प्रेड होने के भी बहुत चांसेस होते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर बहुत जनों की डेथ भी होती है इस वेस्टेज के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि हेल्थ हज़ार्डस क्या क्या हो सकते हैं सॉलिड वेस्ट से, ठीक है। जॉन्डिस भी एक बहुत बड़ा कारण है ये सॉलिड वेस्ट इनहाइजेनिक कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इनप्रॉपर हैंडलिंग के कारण कुछ वर्कर्स जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उनकी भी कुछ डिजीज हो सकती है या उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। कैंसर भी आजकल सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है ये वेस्टेज का। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसे अगर प्रॉपर तरीके से अपन नहीं करेंगे या डिकम्पोजिशन अपन जब करते हैं तो ऑडर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। और भी इसके स्प्रेड होने की कुछ चांसेस हो सकते हैं अगर आप उसको खुले के अंदर अगर इस वेस्टेज को अगर डालते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर इसको मैनेजमेंट अगर नहीं होता तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकते हैं, बर्ड के अंदर डिजीज वगैरह तो स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट पे वर्क करता है 3R। 3R क्या है, देखो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सबसे पहले तो अपन को इसको वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, देन कितना रीयूज कर सकते हैं और कितना रिसाइकल कर सकते हैं, इस कंसेप्ट पे अगर अपन काम करें तो काफ़ी वेस्ट को अपन एक तरह से डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी जो क्वांटिटी को है एक तरह से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट अगर आपको पूछे तो 3R पे वर्क करता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये आपको याद रखना है, ये कहीं बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और ये जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें इसको,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं रिड्यूस, ठीक है, किस तरह से डिस्पोजेबल गुड्स, पेपर प्लेट, पेपर बाउल, इन सबको अपन को यूज़ करना कम कर देना चाहिए। अपन को क्या मेटल के, प्लास्टिक के जो मेटल के जो हैं उनको अपन को यूज़ करना, जिसको बार बार आप रीयूज कर सकते हो क्लीन करके, ठीक है। मेटल के स्पून जो होते हैं, मेटल की ग्लास जो होती हैं, यह तो अपन को जो डिस्पोजल जो मटेरियल हैं उनको कम कर देना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। उसके अलावा 1 टन पेपर कैन, 1 टन पेपर से अपन 17 ट्रीज को एक तरह से अपन सेव कर सकते हैं, तो ये रिड्यूस, इस तरह से अपन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीयूज, ठीक है, बार बार उस चीज़ को अपन यूज करें, ठीक है। न्यू कंटेनर्स अगर कुछ मार्केट में है वो, तो उन वो बना सकते, ले सकते हैं काम में, या किसी सजावट के काम में ले सकते हैं। पेपर वगैरह से अपन पेंट बना सकते हैं, होममेड कुछ पेंसिल स्टैंड वगैरह बना सकते हैं, तो कुछ चीज़ों को अपन यूज कर सकते हैं। पुराना कपड़ा हो गया तो उनको क्लीनिंग करने के लिए काम ले लें अपन, तो जितना रीयूज कर सकते हैं रीयूज हो उसका। देन रिसाइकल, तो स्टॉप, पहले तो इसको रोकना ही चाहिए, फिर आपको सोचना चाहिए, फिर रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। तो अपन को ज़्यादातर मार्केट के अंदर पॉलीथीन बैग नहीं यूज करना, क्लॉथ हो या जूट के जो बैग होते हैं उनको लेकर जाना है, और बार बार उनका यूज होता रहना चाहिए। तो ये रिसाइकल ही कंसेप्ट आप इजीली समझ गए होंगे, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, तो ठीक है। व्हाट वी कैन नॉट रिसाइकल, कुछ चीज़ें होती है जो रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनका रीयूज कम करना चाहिए, ठीक है। कुछ जैसे लिमिटेड गिफ्ट हो गया, उनके गिफ्ट के ऊपर जो रैपर होता है उसको, पेपर को अपन यूज नहीं कर सकते हैं वापिस, तो ऐसी चीज़ों को अपन को एक तरह से कम यूज में लेनी चाहिए। तो इस पिक्चर से यहाँ ये समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ों का कंजप्शन कम करना चाहिए अपन को, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है, इसको सबसे पहले समझते हैं अपन। तो ये हायरार्की जो है कई कंट्रीज़ के अंदर अपने रूल्स के अंदर ऐड कर लिया गया, और इंडिया जैसे कंट्रीज़ ने भी इस कंसेप्ट को, इस टेक्नोलॉजी को अपने कोड के अंदर, अपने मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजीज़ है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया है। इंक्लूड किया है इसमें 3R जो प्रिंसिपल है उसको अपन को यूज करना चाहिए, उसके स्ट्रेटजी से अपन को वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट के कंजप्शन को मिनिमाइज करके इसी स्ट्रेटजी से अपन काफ़ी जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रोडक्शंस हैं उनको कम करके बहुत अमाउंट ऑफ वेस्टेज का मिनिमाइजेशन कर सकते हैं इस हायरार्की जो वेस्ट के इसे कम कंसेप्ट से अपन, ओके, समझते हैं कंसेप्ट क्या है। देखो मोस्ट फेवरेबल ऑप्शंस क्या है और लास्ट फेवरेबल ऑप्शन क्या है। सबसे पहले तो प्रिवेंशन, किस तरह से इसको रोका जाए, कम किया जाए, फिर उसको मिनिमाइजेशन करें कितना कम से कम, फिर उसका रीयूज करें, फिर रिसाइकल। देखो रिसाइकल कर सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल का कर सकते हैं, बहुत सारे का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फेवरेबल तो है ही है, लेकिन जो हो सके जितना कई मटेरियल का नहीं होता है तो वो फेवरेबल भी नहीं है अपने लिए। एनर्जी रिकवरी बहुत कॉस्टली कंसेप्ट है, तो एनर्जी भी अपन इसका रिकवर नहीं कर सकते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं डिस्पोजल, डिस्पोजल से बहुत सारे डिजीज फैलने के चांसेस रहते हैं, वो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है डिस्पोजल, और कॉस्टली मेथड भी है ये एक तरह का, मैनेजमेंट सिस्टम इसका अपना बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इसे हायरार्की से अगर अपना काम करें तो अपन काफ़ी वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट टेबल्स को आपको याद में रखना है, ठीक है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल में क्या होता है, देखो जो जिसने पॉल्यूशन किया वही इसका पे करेगा, या वही इसके इम्पैक्ट को कम करेगा, ठीक है। जितना उसने इन्वायरमेंट को इन्फेक्टेड किया इतना उसको पे करना पड़ेगा। तो इस मैनेजमेंट को इंडिया ने और बहुत फॉरेन कंट्रियों ने इस पर वर्क कर रही है, और अपने उस सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड किया था, ठीक है। तो जैसे किसी इंडस्ट्री ने जितना प्रोडक्शन एमिशन प्रोडक्शन किया तो उतना ही उसको वापस उसके लिए पेड़ लगाने पड़ेंगे, या उसको किसी तरह से एनर्जी जनरेट करके वापस इन्वायरमेंट को देना होगा। तो ये एक पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है, ये भी बहुत फेवरेबल एक तरह का कंसेप्ट है, ठीक है। और जितना हो सके कुछ कंट्रीज में चल रही कि अगर आपने बोतल में वाटर बोतल निकाली प्लास्टिक की, तो वो वापस आपको लेके उसको रिकवरी भी आपको ही करनी होगी। तो ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे भी आपको वर्क करना चाहिए, उसके पैसे पहले से इंक्लूडेड करने चाहिए और उसको बाद में रिसाइकल करना चाहिए।
ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले इसको स्टोरेज कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसका कलेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कैसा होना चाहिए, रिसाइकलिंग कैसे करनी चाहिए इसकी, देन आफ्टर डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। किस तरह से उसको डिस्पोज करना चाहिए, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, किस तरह से उसको रिसाइकल करना चाहिए, तो एक एक अपन मैनेजमेंट सिस्टम की को समझते हैं। सबसे पहले स्टोरेज किस में करना चाहिए, कुछ डस्टबिन्स हो गई, ठीक है, स्टील की डस्टबिन होनी चाहिए या पेपर से, क्या पब्लिक बिन्स होती है, उसके थ्रू अपन इसको स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज आपको समझ में आ गया, ठीक है। देन कलेक्शन की बात करें, हाउस टू हाउस कलेक्शन कर सकते हैं, घर घर जाके अपन क्या करते हैं, वेट कलेक्शन ड्राई कलेक्शन से कर सकते हैं। जिसके अंदर हजार्डस वेस्ट है, तो हजार्डस वेस्ट आपने देखा होगा आजकल मिनी ट्रक्स चलते हैं जिसके अंदर बॉक्स बने हुए रहते हैं, क्या आपका वेट कचरा इसमें डाल दीजिए, ठीक है, ड्राई इसमें डाल दीजिए, और जो हजार्डस है कुछ ग्लासेस वगैरह ये सब हैं तो उसके अंदर डाल, जो नॉन डिग्रेडेबल जो मटेरियल है उनको अलग डाल दीजिए, ठीक है। तो वहीं से अपने एक सेपरेशन भी कर सकते हैं इसका, तो सेग्रेशन वहाँ से हो सकता है और हाउस ऑफ कलेक्शंस भी अपन वहाँ से होते हैं। दूसरा कलेक्शंस क्या हो गया, पब्लिक बीन्स के थ्रू, एक पब्लिक बीन्स आपने कॉलोनी में रख दी, सारे लोगों ने वहाँ कचरा डाला और एक बड़ा सा ट्रक आया और उसको उठा के ले जाता है मॉर्निंग के टाइम में, तो एक कलेक्शन सिस्टम ये भी है। तो कलेक्शन सिस्टम आपको समझ में आ गया, डस्टबिन के थ्रू घर घर से या पब्लिक बीन से अपन कलेक्शन कर सकते हैं। वेस्ट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट किस तरह से, एक तो होता है इसके अंदर छोटे ट्रक्स होते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर होते हैं जो अलग अलग प्लेस से कंटेनर से कचरे लेके आते हैं, ठीक है। फिर एक वो ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन बनाते हैं, उस स्टेशन पे इसको डाल देते हैं, वहाँ से बड़े ट्रक उठा के लेके चले जाते हैं। तो सब स्टेशन और मेन स्टेशन सब बना देते हैं। एक होता है कि कुछ स्मॉलर व्हीकल्स होते हैं, वो लार्ज इसको जो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर इसको मैनेजमेंट के थ्रू अपन कर सकते हैं। वहीं पे घर से ही अपन सेपरेशन कर सकते हैं, एक मेन जो ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन होता है वहाँ पे सेपरेशन करके बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर डाल जाते हैं, जिसको डिस्पोज करना वो डिस्पोज वाली साइड पे चला जाता है और जिसको रीयूज करना वो रीयूज वाले पे चला जाता है, और जिसको अगर इंसरेशन करना है एनीथिंग किसी और मेथड के थ्रू उसको अगर डिस्पोज करना है तो वो उस स्टेशन पे चला जाता है। तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग का एक सिस्टम है जिसे ट्रक के थ्रू और बड़े इक्विपमेंट के थ्रू इसका कलेक्शंस किया जाता है। बात करते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग रेफर टू कलेक्शंस एंड द रिफ्यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल सच ए एम्प्टी बेवेज कंटेनर, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, एक कुछ न्यू प्रोडक्ट्स उससे बना सकते हैं या उन मटेरियल को सेपरेट करके उसको जिस प्रोसेस में डालना उस प्रोसेस में अपन उसको रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे मेटल हो गया या पेपर हो गया, ग्लास की बोतल वगैरह हो गई, तो उनको रिसाइकलिंग वालों को वहीं से सेपरेशन करना चाहिए। तो हाउस टू हाउस या कलेक्शन सिस्टम जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो स्टेशन होता है वहाँ से या मेन स्टेशन पर इसका सेपरेशन करना चाहिए अपन को, तो जो रिसाइकल मटेरियल है उनको अलग कर लेना चाहिए। मेथड ऑफ डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं, डंपिंग करके, कंट्रोल ऑफ टिपिंग है सैनिटरी लैंडफिलिंग के थ्रू, इंसिनरेशन से, कंपोस्टिंग से, और मैन्यूअर पिट बना के या बोरियल करके, ठीक है, जला के। बात करते हैं पहले इसका ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव डिस्पोजल क्यों करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो पब्लिक हाइजीन और हेल्थ के लिए करते हैं, रीयूज रिकवरी और रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं इससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एस्थेटिक्स, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। तो डिस्पोजल के ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं, क्यों अपन डिस्पोज कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट को, तो ये चार पांच रीजन है, पब्लिक हाइजीन और हेल्थ के लिए, रीयूज रिकवरी और रिसाइकल के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और एस्थेटिक्स के लिए। ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है। उसके अलावा डंपिंग क्या होता है, डंपिंग होता है लो लाइंग एरिया जहाँ होता है वहाँ पे क्या करता है, जो कचरा होता है उसको डंप कर दिया जाता है। तो देखो, कोलकाता डिस्पोज बाय दिस मेथड एंड रिक्लेम लैंड गिवन फॉर कल्टीवेशन, कचरा डाल देते हैं और उस पर जो लेयर मिट्टी की सॉइल की लेयर डाल के उसको वापस कल्टीवेशन के लिए यूज कर रही है कोलकाता। अनसैनिटरी मेथड्स जैसे क्या है, एक्सपोज फ्लाइज एंड रोटेंट्स, अगर सही से अपन को उसको डिस्पोज नहीं किया तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, मक्खियाँ ज़्यादा हो सकती है, रोटेंट चूहे वगैरह जो है नॉइसेंस क्रिएट हो सकती है वहाँ पे, डिस्प्रिड हो सकता है विंड के कारण कचरा इधर उधर फैल सकता है, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है जिससे, और सरफेस वाटर जो होता है वो पोल्यूटेड हो सकता है। तो डंपिंग इम्प्रॉपर तरीके से हुई तो ये अपन को डिसएडवांटेज भी है। अब कंट्रोल है टिपिंग एंड सैनिटरी लैंडफिलिंग,
सेटिस्फैक्ट्री मेथड है एक तरह का, जो मटेरियल प्लेस इन ट्रेंच, छोटे छोटे ट्रेंच या सेल बनाए जाते हैं जिसको एक वीक या दो वीक के लिए फिल करके उसके ऊपर अर्थ लेयर डाल दी जाती है, ठीक है, या कई बार हर डे एक छोटी लेयर अर्थ की डाल दी जाती है जिससे बहुत जो डिजीज जो स्प्रेड हो रही है फ्लाइज या रोटेंट्स उनको रोका जा सकता है। दूसरा इसके अंदर क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन किया जाता है हर सेल को और फिर उसको लैंड फिलिंग जो अर्थ होती है वो डाल के उसको बाद में इको पार्क वगैरह बना दिया जाता है। तो लैंड फिलिंग के बारे में अपन समझते हैं आगे। इसमें ट्रेंच मेथड, रैम मेथड और एरिया मेथड तीन मेथड होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा, रिफ्यूज इज कॉम्पैक्टेड ऑन एक्सपोज सरफेस विथ एक्सकवेटेड अर्थ, ठीक है। 30 सेंटीमीटर एक्सकवेटेड अर्थ को वहाँ से निकाल दिया जाता है, फिर उसमें फिल की जाता है कचरा, फिर उसके ऊपर कवरिंग डाल दी जाती है। तो ऐसे करके ये 30 साल के लिए डिजाइन किया जाता है और छोटे छोटे सेल बनाए जाते हैं, हर सेल के को फिल करते रहते हैं और उसमें से जो लीचड़ या जो कीचड़ प्रोड्यूस होता है बारिश से या उसके अंदर वो जो वेट कचरा होता है तो उससे क्या है ना, उसका लीचड़ कलेक्शन सिस्टम भी बनाया जाता है, ठीक है। तो आगे समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ट्रेंच मेथड को अपन समझते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, 6 से 10 फीट इसको डीप किया जाता है, डीप करने के बाद में 12 से 36 फीट ये वाइड होता है और लॉन्ग भी कितना भी हो सकता है, ठीक है। उसको फिर क्या करता है, जो भी कचरा आता है उसको अंदर डाल के उसको कॉम्पैक्ट करके उसको कवरिंग कर दी जाती है पास में से, या जो एक्सकोटेड जो अर्थ से जो मिट्टी निकाली उस मिट्टी से दबा दिया जाता है और इसको इस तरह से 6 फीट तक फील करते हैं पहले, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर लेयर डालते हैं, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर लेयर डालते हैं। और 10,000 अगर आगे पॉपुलेशन है तो एक ईयर के अंदर 1 एकड़ ज़मीन का अपन को एस्टिमेटेड लेके इसका चलना पड़ता है। रैम मेथड में क्या होता है, ये जहाँ पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे थोड़ा सूटेबल है, तो वहाँ क्या है ना, पानी उसके ऊपर नहीं जाएगा और वो बह जाएगा, तो उस वहाँ पे क्या ना डंप किया जाता है स्लोपिंग एरिया का, जिसको रैम मेथड बोलते हैं। ये भी सेल बनाई जाती है इसके अंदर भी। उसके अलावा एरिया मेथड जो होता है, इस एरिया मेथड के अंदर अपन यही सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होता है, ठीक है, और सेम का सेम इसी तरह से सेल बनाई जाती है और इसके अंदर भी कवरिंग डाल दी जाती है। तो सेम जो मेथड है पहले वाले मेथड उसी से वर्क करता है। इसमें थोड़ी सेल जो होती है वो थोड़ी छोटी सेल्स होती हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यूज डेली के अकॉर्डिंग भी वर्क करती है, ठीक, डेली कवरिंग कर दी जाती है इसमें कहीं। उसके अलावा क्या चेंज होता है इसके अंदर, केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल और फिजिकल, ये चेंजेस होता है। 30 डिग्री तक इसके अंदर टेम्परेचर चला जाता है और 7 डेज के अंदर इसके अंदर पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाते हैं और डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और 4 से 6 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन के बारे में अभी अपन समझेंगे। लैंड फिलिंग की साइल को अगर आपको समझना है तो ये इतना बड़ा एक एरिया ले लिया जाता है, फिर इसमें छोटी छोटी सेल बनाई जाती है। देखो आपको सेल यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, सेल इस तरह से बना के फिर इस पर कवरिंग, छोटी कवरिंग डालते रहते, फिर सेल बने कवरिंग डालते रहते, ऐसे कवर डालती, फिर ये फाइनल कवर डाल दिया जाता है और फिर इको गार्डन वगैरह किसी तरह का यहाँ बना दिया जाता है। तो ये देखो यहाँ पे अभी फिलिंग हो रही है, जैसे जितना फिल होता है उतना कवर कर दिया जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट के लिए रोड रहती है चारों तरफ, लीचर्ड कलेक्शंस के लिए सिस्टम बनाया जाता है, या स्ट्रॉम वाटर होता है उसके लिए यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट होता है कि जो बारिश का पानी है उसका कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। फाइनल कैप बनाई जाती है जिसे वेजिटेटिव कवर भी बोलते हैं, यहाँ पे घास वास या तरह के कल्टिवेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लैंड फिल गैसेस जो निकलती हैं इसके अंदर मैथेन, उसको रिकवरी के लिए पाइप डाले जाते हैं और यहाँ पे तो लैंड फिलिंग गैस रिकवरी प्लांट है ये, इसको किसी या तो एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाती है या इसको जलाने के लिए किसी चीज़ को काम में ले लिया जाता है। प्राइमरी लेयर डाली हुई है इसके नीचे, सेकेंडरी लेयर डाली हुई है यहाँ नीचे की तरफ देखो, ठीक है। लीचर्ड कलेक्शंस के लिए पाइप डाले हुए हैं यहाँ पे, प्रोटेक्टिव ग्रेनुलर लेयर है इसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह से ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल्स भी बनाया जाता है कि वो कंटेमिनेट तो नहीं हो रहा, कहीं पोल्यूटेड तो नहीं हो रहा, तो उसको भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ठीक है। लैंडफिलिंग गैसेस मॉनिटरिंग के लिए भी यहाँ पे बनाया जाता है सिस्टम कि कुछ गैसेस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इसका एक सिस्टम होता है।
बात करते हैं देखो यहाँ इस पिक्चर के थ्रू कि ए जो सिस्टम है वो ग्राउंड वाटर है, बी क्या है कॉम्पैक्टेड क्ले होती है, सी प्लास्टिक लीन या एक प्लास्टिक की पॉलीथीन डाली जाती है पूरा, फिर उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल मैट बिछाई जाती है यहाँ पे, फिर ग्रेवल्स डालते हैं, फिर ड्रेनेज लेयर डालते हैं उसके बाद में वहाँ लीचड़ वगैरह कलेक्शंस के लिए, गैस कलेक्शंस के लिए, फिर सोयल लेयर डालते हैं, फिर ओल्ड सेल डालते हैं, फिर न्यू सेल और देन बाप लेचर पॉन्ड्स भी बनाते हैं, यहाँ पे लेचर पॉन्ड बनाया हुआ है और फाइनल कवर डाल देते हैं। ठीक है, तो लैंड फिलिंग इसको समझ गए होगे, सैनिटरी लैंड फिलिंग को। ठीक है, तो ये भी एक आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट, तो इस तरह से आपको इस सिस्टम को एक सिंपल तरीके से समझा सकते हैं। एडवांटेज क्या है, चीप वेस्ट डिस्पोजल ये है एक तरह से, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को यहाँ पे अपन एक तरह से डिस्पोज कर सकते हैं किसी तरह का हो, और पावर जनरेशन के लिए काम में ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, एक तो लैंड का बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर तरीके से यूज होता है, ठीक है, और डेंजरस गैसेज होती है जो लोकल एयर के अंदर मिक्स होकर ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, मीथेन गैस होती है वो, ठीक है, वो भी एक तरह कोज है अपना ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, लैंड फिलिंग से कुछ टॉक्सिक सीपिंग होके अंडरग्राउंड वाटर को एक तरह से पोल्यूटेड कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ अपन है उसको रीडेवलप नहीं कर सकते हैं, इसको किसी तरह के कोई सिटी नहीं बना सकते हैं वहाँ पे, तो ज़मीन का एक तरह से ये कह सकते हो अपन अर्थ पोल्यूशन जो हो रहा है वो क्रिएट हो जाता है। तो हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं इसके, लेकिन इसका और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं, नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, इंसिनरेशन में क्या होता है, जितना भी कचरा होता है उसको एक साथ जला दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है 20-30% तक है ना ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है सॉलिड वेस्ट का वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, इससे अपन क्या है ना, या लैंड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे जनरली यूज करते हैं, या हॉस्पिटल वेस्ट जो बहुत हजार्डस होता है, खतरनाक होता है, ऐसे को यहाँ पे जलाया जाता है। ठीक है, इसी गैसेस से अपन क्या एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने इंडिया के अंदर नोएडा वगैरह के अंदर है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी आगे पड़ते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, मिनिमाइज ले जहाँ लैंड बहुत कम हो वहाँ यूज कर सकते हैं, 25% तक इनिशियल वेट रिड्यूस कर देता है ये, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट हो पॉल्यूशंस का। ठीक है, इंसुलेशन प्लांट अपन क्या रेजिडेंटल एरिया के पास में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और गैस जो जनरेशन होती है उससे अपन पावर जनरेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, खर्चा ज़्यादा आता है इसके अंदर, पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, इसकी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इससे जो एमिशंस निकल रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय कर सकता है ये, तो मेजर डिसएडवांटेज इसका यही है, इसके कारण से इंसुलेशन काम में नहीं लेते हैं जनरली। ठीक है, और हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसको करने के लिए, इसको जलाने के लिए कचरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंसुलेशन तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। इंडिया के अंदर खुले में कचरा जलाना बैन हो चुका है एज पर वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब कंपोस्टिंग का समझना है, कंपोस्टिंग का मतलब कंपोस्ट कर देते हैं, खाद बनाना। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोज ऑफ रीयूज एंड नाइट सोइल एंड स्लज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट्स क्या प्रिंसिपल है, CO2 वाटर एंड हीट, इन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है कंपोस्टिंग। याद रखना आप CO2 वाटर और हीट, इन तीन चीज़ों पर करते हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स क्या बताया, कंपोस्ट खाद बनती है। मेथड क्या है, बेंगलोर मेथड, इंदौर मेथड, मैकेनिकल मेथड, वर्मी कंपोस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो O2 ये कंज्यूम करता है जो कचरा होता है वो, सॉरी तो देखो जो वेस्ट होता है वो CO2 को तो कंज्यूम करता है और वाटर को आउट कर देता है, CO2 आउट कर देता है और हीट भी आउट हो जाती है, ठंडा होने के बाद में ये एक तरह का कंपोस्ट खाद बन जाती है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देन बेंगलोर मेथड की बात करें तो इसमें क्या है कि इस तरह का एक ट्रेंच बनाया जाता है, डग बनाया जाता है, 3 फीट गहरा खड्डा करते हैं और 5 या 8 फीट चौड़ा होता है, 15-30 फीट का लॉन्ग होता है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो भी कचरे को डाल के उसको सोयल से कवर कर दिया जाता है और 3-4 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये तरह से डिकम्पोजेशन स्टार्ट हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, एनारोबिक प्रोसेस है एक तरह का ये, जिसमें केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस
उसके अंदर होते रहते हैं और इस तरह की खाद बन जाती हैं। और IIS इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको एक तरह से डेवलप किया था, इसलिए इसका बेंगलोर मेथड रख दिया गया नाम। मैकेनिकल कंपोस्टिंग में क्या है ना, एरोबिक मेथड होता है। इसमें पहले क्या करता है, छान लिया जाता है, फिर उस कचरे को क्या कर लिया जाता है, थोड़ा बुरादा बना दिया जाता है 2 इंच तक, इसको काट के फिर मिक्सिंग करके इंक्यूबेशन के अंदर डाल के फिर 4-5-6 वीक के लिए इस प्रोसेस को करते हैं, तो इससे भी कंपोस्टिंग एक तरह से प्रोड्यूस होती है। वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, अर्थ वर्म होते हैं जो इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे किचन का वेस्ट हो गया या एनीथिंग वेस्ट हो गया, तो उसको वो जो अर्थ वर्म होते हैं वो खाते रहते हैं और वो कन्वर्ट कर दिए। ये इको फ्रेंडली है, इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती प्रोवाइड करवाती है और बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसको घर पर भी अपन किया जा सकता है, जिससे घर का जो वेस्टेज होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन मैन्योर पिट्स बना के, गांवों के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है, रूरल एरिया के अंदर जब छोटा पिट बनाया जाता है, दो पहले एक पिट को फिल किया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर दूसरा पिट जैसे फिल होता है तो फर्स्ट पिट का जो कचरा होता है वो अपन एग्रीकल्चर के यूज करते हैं, फिर इसको फिल करते हैं, सेकेंड वाले को खाली करते हैं, तो ऐसा एक प्रोसेस चलता रहता है जिसके अंदर कैटल का डंग होता है, किसी लीव वगैरह जो ऐसा जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिकम्पोज हो सकते हैं, ऐसे को इस पिट के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, 5-6 months इसका टाइम लगता है तो प्योर कन्वर्ट हो जाता है खाद के अंदर। ठीक है, बोरियल जला दिया जाता है जहाँ पे ज़मीन की कमी हो। ठीक है, और इसको फिर कवर कर दिया जाता है अर्थ के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक छोटे छोटे ट्रेंच बनाए जाते हैं और 5-6 months के अंदर ये भी एक तरह से डिकम्पोज हो जाता है। ओके, बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आजकल का अपन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में वेस्टेज के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। एक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से अपन टैगिंग से काम ले रहे हैं, दूसरे GPS सिस्टम से ट्रैकिंग करते हैं कौन सी गाड़ी कहाँ पे कलेक्शन सिस्टम पे पहुँची है, एक नहीं पहुँची कहाँ है, तो ये भी बड़ा एक इफिशियंट मेथड है जिससे अपन को बहुत जल्दी से डंपर वगैरह की लोकेशंस पता कर सकते हैं और कंज्यूमर की रिक्वेस्ट जो आती है कि कितना कहाँ पे कचरा पड़ा है, एप्लीकेशंस के थ्रू अपन यहाँ पे एक अच्छे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, कैमरा वगैरह भी लगा दिया जाता है, कोई खुले में अगर कचरा वचरा फेंक रहा है तो उस पर एक तरह से अपन पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं, या रेजिडेंशियल सर्विसेज वगैरह जहाँ पे पब्लिक प्लेस है तो ऐसी जगह कुछ अनहाइजेनिक कंडीशन नहीं बन जाए, तो इस तरह के अलग अलग कैमरा वगैरह से टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी अपन एक तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेज जो जनरेशन है उसको कम कर रहे हैं या उसके कलेक्शन सिस्टम को इंक्रीज कर रहे हैं या एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं। जीरो वेस्ट सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर बार बार वही है, रिसाइकल करते रहो अपन प्रोडक्ट को और ऐसे प्रोडक्ट को यूज करो जो जिससे वेस्टेज मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो जीरो वेस्ट सिस्टम को भी आपको उनको डिजाइन करना है, ध्यान में रखना है इसको भी। बात करते हैं कुछ इंडियन सिटीज़ के जिसमें मुंबई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस करती है, देन आफ्टर बेंगलोर, अहमदाबाद, ठीक है, हैदराबाद, तो ये पर डे मेट्रिक टन के अंदर इतना प्रोडक्शंस यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेज वेस्ट का हो रहा है। तो कुछ प्लांट के बारे में बताया, ये मैसूर का एक प्लांट है, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा बताया गया कि किस तरह से डंप यार्ड होते हैं। और मैसूर ने क्या ना 2 नए प्लांट लगाए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, मैसूर सिटी को क्लीन करने के लिए। और यहाँ पे देखो ऐसा, ये 4th largest म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है बेंगलोर की, ठीक है, जो एक तरह से रेस्पॉन्सिबल है वो डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी हेल्थ हाइजीन एंड लाइजनिंग ट्रेड एंड एजुकेशन में। तो इसने कुछ पोस्टर के थ्रू अवेयरनेस और एजुकेशन को इंक्रीज की, एक तरह से यूज करके प्रोडक्शन का और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको मिनिमाइज करने का एक तरीका निकाला कि ड्राई वेस्ट को कौन कौन से होता है, कैसे आपका कलेक्शन करना, वेट वेस्ट का कैसे कलेक्शन करना, ठीक है, और कैसी डस्टबिन्स यूज करनी है आपको, सैनिटरी नैपकिन वगैरह हो गया आपका, एनीथिंग किसी तरह का हजार्डस वेस्ट हो गया, तो ये वेस्टेज को मिनिमाइज करने का ये अवेयरनेस के लिए इस तरह के पोस्टर वगैरह बना के उन्होंने बेंगलोर ने एक अच्छा इनिशिएटिव कदम उठाया है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज भी इंडिया ने बने, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं, हजार्डस वेस्ट के लिए रूल बनाया था 1989 के अंदर, बायोमेडिकल वेस्ट 1989
8 के अंदर बनाया, लेकिन अभी इसको 2016 के अंदर डिवाइज कर भी कर दिया गया है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000, वेस्ट मैनेजमेंट बनाया था 1996 के अंदर, सॉलिड वेस्ट पॉलिसीज इंडिया में 2006 को बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के, तो ये रूल्स आपको याद रखने, कई बार पूछ लेते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सी पॉलिसीज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। बात करते हैं हम अपन नेक्स्ट क्या क्या रिकमेंडेशन अपन दे सकते हैं। एक तो इम्प्रूवमेंट्स ऑफ ए पीपल एंड प्राइवेट सेक्टर थ्रू द एनजीओ कुड इम्प्रूव द इफिशेंसी ऑफ ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एनजीओ और प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में अपन को वर्क करके इसकी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो चीज़ों को अपन क्या ने इफिशियंट बना सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं अपन, एक तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे। पब्लिक अवेयरनेस कुड बी क्रिएट इस पे स्पेशली एट ए प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे ही अपन को क्या ना लोगों को अवेयर करके भी वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सकता है, बहुत परसेंटेज ऑफ जो वेस्ट जनरेशन है उसको कम किया जा सकता है। लेटरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी प्रोहिबिटेड इन ए सिटी, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा फैलाने वाली जो चीज़ें हैं उनको इधर से जो टाउन और अर्बन एरिया है वहाँ पे एक तरह से बैन कर देना चाहिए, जैसे पॉलीथीन को बैन कर दिया था इंडिया ने, ठीक है। मोर ओवर हाउस टू हाउस कलेक्शन सॉलिड वेस्ट शुड बी, घर घर से कचरा कलेक्शंस का एक जो सिस्टम है उसको क्रिएट करना चाहिए अपन को। इसके अलावा कलेक्शंस भी मस्ट बी हैव ए लार्ज इनफ, अगर कैपेसिटी आपकी वहाँ पे जितनी है उसे 20% ज़्यादा कैपेसिटी का अपन को वहाँ पे डस्टबिन को प्लेस करना चाहिए जिसे मिनिमाइज किया जा सकता है। म्यूनसिपल अथॉरिटी शुड बी मेंटेन दी स्टोरेज फैसिलिटी टू अवॉइड हाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस, म्यूनसिपल को ध्यान रखना है, मेंटेन करना है स्टोरेज फैसिलिटी से, अवॉइड करनी चाहिए हाइजेनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस, ठीक है। इट इज़ ए एडवाइजेबल टू मूव फ्रॉम ओपन डंपिंग टू सैनिटरी लैंडफिलिंग इन ए फेस मैनर, ठीक है। ओपन डंपिंग नहीं होनी चाहिए, अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट नहीं हो, इसके लिए म्यूनसिपल को कॉरपोरेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को समझ सकते हैं क्या है, किस तरह से मिनिमाइज किया सकता है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। इस टॉपिक में आपको ज़रूर समझ में आया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हेल्थ इफेक्ट क्या है इसके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वेस्ट कितने तरह के होते हैं, सॉलिड वेस्ट कितने होते हैं, कलेक्शन सिस्टम क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, कैसे कैसे इसको डिस्पोज किया जा सकता है, कौन से इसके रूल्स हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और 100% इसका क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए लेक्चर के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।